ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये नहीं चाहिए, चलो ये आ गया। और बस टिल नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब, सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा सर। गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकले तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरी का सिस्टम है जो नया चला है इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। बहुत सर, बहुत ज्यादा। जिसके पास बिग पॉकेट्स हैं वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल, सब लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी है। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400? कम से कम 1000, 2000? आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, वी डू फ्री होम डिलीवरी। कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? ऑल ओवर, ऑल ओवर द लैंड। अच्छा, पुलवामा, नोएडा। एंड ये आपकी एक ही दुकान है? या वी हैव ओनली वन शॉप। ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है, बट सिंस जब से फर्स्ट ईयर जो उसकी हालात थे वो आज भी वही है। आपके बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे। कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ हैं? स्कूल में। हम तो किराए देते हैं, हमारा आधा पैसा तो उसमें है। ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना चाहता। थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट विलिंग। बट वो हॉस्पिटल है। मैंने इससे कहा कि 5,500 महीने की आरडी खुलवा दे अपनी बेटी के नाम से, मैं जमा कराता हूँ। नहीं खुलवाई। पहले 500 रुपए अपनी जेब से दे, उसके बाद जब तक उसकी शादी होगी मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? नहीं करूं। मैं आपको एक बात बताऊं? सामने नखड़ा। मैंने जो नोटिस किया है, कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? यस। आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है। यस यस, ठीक है, आपके ब्लड में है। वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ रहे। नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। अवर 4 प्रोडक्ट्स आर राइस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, दाल। बट एक और चीज भी है जो जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? नो, कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसमें पार्टनर को सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात, पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, ले लो यार ठीक है ले लो। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक ऑब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट। अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ा है, और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना। हम सिर्फ कस्टमर के प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है, जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया, उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली, अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं। कह दिया भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी। कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा? एग्जैक्ट नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेज है उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर हेवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब समझ में आ रहा था दबाने के लिए, हर महीने रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले, वो मतलब जितने अकाउंटेंट चाहते ले आते बैठा देते हैं आपके लिए, मतलब करने से हम तो छोटा सा मिडिलमैन नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं,
वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं गुड लोग ही राजा लोग रात को वेश बदल के वो प्रजा में जाते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, तो ये वो ये बहुत अच्छा उसका एक अल्टरनेट है। एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता, हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी है, गलत इमेज बना रखी है।